इसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि बीएचयू में जो कांड हुआ है उसे लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रही थी, जिसके जवाब में कहीं ना कहीं सीएम योगी ने ये जवाब दिया है। अपने संबोधन में कहा है कि अगर बेटियों की सुरक्षा में किसी ने भी सेंध लगाने की कोशिश की तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। सीएम योगी ने कहा कि बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है ये हम जानते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका बड़ा उदाहरण है। इस योजना के तहत अगले सत्र से हमारी सरकार 25,000 रुपए देने जा रही है। यह पैसा 6 चरणों में बेटियों के अभिभावकों को दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारी सरकार 51,000 रुपए दे रही है। सीएम योगी ने बांसडीह में विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए दुष्कर्मियों को जो मनचले थे उन्हें कहीं ना कहीं यह हिदायत दी है कि बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसे लेकर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनकी स्थिति रावण और कंस जैसी कर दी जाएगी।